गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं पहले इडियम्स और फ्रेजेज और हमारी सिनोनिम वोकैब ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखिए बहुत शानदार तरीके से। ऑनलाइन फ्रेंड्स क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए आप, पहले हम फ्रेजेज जो आरजेस में आने की संभावना पूरी पूरी, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आउट ऑफ वर्ड्स, आउट ऑफ क्वेश्चन, ऑल अफर्स एंडेड इज स्मोक, क्राई वॉल्फ और सो वाइल्ड ऑट्स आने की पूरी पूरी संभावना, ये फ्रेजेज, ये इडियम्स और वैसे भी काम आएगी हमारे। डिस्कशन करते हैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट में। कम विथ फ्लाइंग कलर्स, आपको आना है इस एग्जाम में कम विथ फ्लाइंग कलर्स, सेवंथ पेज आ रही है। सेट द टेम्स ऑन फायर, फ्रेज नंबर 7, सेट द टेम्स ऑन फायर। फ्रेज नंबर 8, पैरट फैशन, काफी हैंडी फ्रेज, पैरट फैशन। बर्ड्स ब्रेन, बर्ड को उठा लिया हमने, बर्ड्स ब्रेन। और 10 नंबर पर है हमारी एस क्रो फ्लाइज। आपके बोर्ड पर 10 फ्रेजेज इस समय एप्लीकेशन में ले रहे हैं हम इनको। पहली फ्रेज है आपकी आउट ऑफ वुड्स। वुड्स किसको कहते हैं? लकड़ियों को नहीं, वुड्स कहते हैं जंगल को। अब जब आप जंगल से बाहर हो तो उसका मतलब होगा खतरे से बाहर। जब आउट ऑफ वुड्स का मतलब है खतरे से बाहर, फिजिकल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं। मान लो आप जंगल में, तो डर लगा रहेगा कोई ना कोई जानवर, कोई बीस्ट ऑफ प्रे हमको जो है खा जाएगा, हर्ट कर देगा, नुकसान कर देगा। आउट ऑफ वुड्स का मतलब है खतरे से बाहर, यानी अब खतरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कोरोना वायरस, आफ्टर कोरोना वायरस 2 साल का जो पीरियड था वो हम इन वुड्स थे, जब उससे बाहर आ गए तो आउट ऑफ वुड्स। सेकेंड फेज कहती है आउट ऑफ क्वेश्चन, आप सोच रहे हो क्वेश्चन से बाहर या सिलेबस से बाहर, ऐसा कुछ भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर बड़ा अजीब सा आएगा, जो सोचोगे उससे रिवर्स में जाएगा। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है असंभव। किसी ने कहा राम शराब पीता है, राम ड्रिंक्स बूज, आपने कहा नो नो, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, राम शराब नहीं पी सकता, राम कैन नॉट ड्रिंक बूज, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, आई नो हिम थ्रू एंड थ्रू। आउट से क्वेश्चन बने, आउट ऑफ वुड्स आया, आउट ऑफ क्वेश्चन आया, खतरे से बाहर असंभव। जो फ्रेजेस हमारी डिस्कस होगी 99% एग्जाम में आने की संभावना 99। ऑल अफर्स एंडेड इन स्मोक, ऑल अफर्स एंडेड इन स्मोक। स्मोक कहते हैं धुएं को, एंडेड कहते हैं एंड हो जाना। ऑल अफर्स एंडेड इन स्मोक का मतलब होगा एक व्यक्ति है, एक एस्पिरेंट है, वो आईएएस की तैयारी करने दिल्ली गया, उसने 4 अटेम्प्ट आईएएस की तैयारी की, कोई रिजल्ट नहीं आया, वो सिलेक्टेड नहीं हुआ, सारे प्रयत्न बेकार चले जाना, यानी कोई रिजल्ट नहीं आना, सारे प्रयत्न बेकार हो जाना। ऑल अफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, यानी अफर्ट्स तो किए थे मगर रिजल्ट नहीं आया, फ्रूटलेस रिजल्ट कहलाएगा। ऑल अफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, सारे प्रयत्न बेकार हो जाना, धुआं बन के उड़ जाना। ऑल अफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। क्राई वॉल्फ, बचपन में कहानी सुनी थी, भेड़िया आया, भेड़िया आया। एक बार लोग रिलाय करते हैं, दूसरी बार लोग रिलाय करते हैं, तीसरी बार लोग रिलाय करते हैं, चौथी बार कहते हैं झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, क्राई वॉल्फ, एकदम झूठा बहाना बनाना, सफेद झूठ बोलना, क्राई वॉल्फ। वॉल्फ कहते भेड़िए को, वही कहानी जो छठी में पड़ी थी, भेड़िया आया, एकदम झूठ बोलना, एकदम झूठा बहाना बनाना, सफेद झूठ बोलना, बार बार किसी को बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोलना। एक बार आप रिलाय करेंगे, दो बार करेंगे, तीसरी बार आप रिलाय नहीं करेंगे। सो वाइल्ड ओट, ओट किसको कहते हैं दोस्तों? जो को। सो वाइल्ड ओट, सो का मतलब होता है बोना, यानी जमीन में बोना, सो कहलाएगा। वाइल्ड कहते हैं जंगली, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ओट से क्या बनती है? शराब बनती है। शराब पीने के बाद इंसान क्या करता है? अय्याशी करता है, ये बात पता है ना। ओट से बनती है शराब या बियर, उससे उसको पीने के बाद इंसान करेगा अय्याशी। तो सो वाइल्ड ओट का मतलब होगा अय्याशी करना, ऐश करना, जो बड़े लोग करते हैं,
पैसे वाले लोग करते हैं सो वाइल्ड ऑट्स, ओट जो भी काम आ गया, गेहूं हमारे काम आया था सेपरेट चाप फ्रॉम बीट, गेहूं अलग जगह काम आया था, ओट अलग जगह काम में आ गया, क्लियर। कम विथ फ्लाई कलर्स, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपकी रैंक बनेगी 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपकी रैंक बन गई, 10 तक आपकी रैंक बन गई, 10 के अंदर अंदर आ गए आप, तो यू विल कम विथ फ्लाई कलर, शानदार जीत के साथ वापस आना, शानदार जीत के साथ वापस आना, कम विथ फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि पहले युद्ध होते थे तो जैसे जीत जीत के साथ लोग आते थे, तो कम विथ फ्लाइंग कलर्स, कम विथ फ्लाइंग कलर्स, शानदार जीत के साथ वापस आना। शानदार जीत के साथ वापस आना, कम विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स, कम विथ फ्लाइंग कलर्स, 2 से लेकर 10 तक की रैंक बनी, फर्स्ट में तो ये वाली जाएगी, फर्स्ट में तो अभी वाली जाएगी, शानदार जीत के साथ वापस आना, कम विथ फ्लाइंग कलर्स, याद कर लेना 2 से लेकर 10 तक की रैंक, शानदार जीत के साथ वापस आना। आपको कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूं कि यू शुड कम विथ फ्लाइंग कलर्स। फिर आती है आपका, मैंने इसी के संदर्भ में दूसरी लिखी, सेट द टेम्स ऑन फायर, इसी को इसी से कनेक्ट कर देना, इसी को इसी से कनेक्ट कर देना, कम विथ फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट है हमारी, शानदार जीत के साथ वापस आना, नाइन्थ इसी से कनेक्टेड है, सेट द थेम्स ऑन फायर, सपोज आपकी फर्स्ट रैंक बन गई, सेट द थेम्स ऑन फायर, सपोज आपकी फर्स्ट रैंक बन गई और किसी भी सब्जेक्ट में 100% आउट ऑफ 100% आ गया, फर्स्ट रैंक तो बनी लेकिन आपका जिसे कहते हैं कि आपका 100 out of 100 आ गया, तो यानी आपने अजूबा कर दिखाया, कुछ ऐसा कर दिखाया जो इनक्रेडिबल था, अजूबा कर दिखाना, कुछ ऐसा कर दिखाना जो इनक्रेडिबल था, जो अविश्वसनीय था, फर्स्ट रैंक भी बनी और 100 out of 100 भी आ गए, ऐसी कहानी को बोलेंगे आप सेट द टेम्स ऑन फायर। दोनों एग्जाम से कनेक्ट कर देना, फेज नंबर 6 और फेज नंबर आपकी 9, 8th वाली आ रही थी हमारी पैरट फैशन, पैरट फैशन ये हमारे काम आएगी, पैरट फैशन, कोई इसका अर्थ बता सकता है क्या, पैरट फैशन किसको कहते हैं, पैरट फैशन हिंदी में आपने फैशन, एक तोता राम बोलता है तो बाकी भी राम ही बोलते हैं, तो पैरट फैशन कहलाती है भेड़ चाल, भेड़ चाल कहलाती है पैरट फैशन। जैसे आजकल एक फैशन चली है, 2-4 लोग लीव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए तो बाकी लोग फॉलो करते हैं ना, वो भी रह रहे हो से मैं भी रूला, मैं भी बिना शादी के रूला, रूला कौन रूला, तो दैट इज पैरट फैशन। यूज कहां करना है, लीव इन रिलेशनशिप में, एक आदमी करप्शन करता है, यार इसके पास ओडी आ गई, तनख्वाह से तो आई नहीं, मैं भी ब्राइब लूंगा, मैं भी ब्राइब लूंगा, मैं भी रिश्वत, चाहे मैं चाहता नहीं हूँ, दिल से नहीं चाहता, मेरी नेचर नहीं है, लेकिन यार ये रिश्वत ले रहा है, इसके पास ओडी आ गई, पैरट फैशन, करप्शन में लगा दो, राजनीति के अपराधीकरण में लगा दो, आप जिसे कहते हैं कहीं भी लगा दो, पैरट फैशन, भ्रूण हत्या में लगा दो, यार इसने डॉक्टर से जांच करवाई थी, लड़की होगी तो इसे फिटिसिट करवा दिया, मैं भी ऐसा करूं, तो एक की मानसिकता बदलकर दूसरा डेवलप होता है ना, वो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसकी भी कहावत बताऊंगा, चिंता मत करो, ऐसे भी खींच रखा है मैंने, पैरट फैशन भेड़ चाल, क्लियर। फिर आई से ले लिया बर्ड्स ब्रेन, बर्ड्स में बुद्धि नहीं होती है, एकदम सिली या स्टूपिड पर्सन को कहते हैं मूर्ख इंसान, मूर्ख इंसान एकदम बर्ड्स ब्रेन, बर्ड में ब्रेन नहीं होता है, स्टूपिड पर्सन, सिली पर्सन, बर्ड में पैरट को खींच दिया तो कुछ और आ गया। यहां पर आप अपने एग्जाम से कनेक्ट करोगे, 2 से लेकर 10 तक की रैंक बनाई,
कम विथ फ्लाइंग कलर्स, पहली रैंक बनाई और किसी सब्जेक्ट में 100 out of 100 कर दिखाया आपने तो सेट द टेम्स ऑन फायर। बस प्रेत मूर्ख इंसान, जैसे एक डांस कंपटीशन हो रहा था, वहां पर एक लड़की थी जिसके कान नहीं, मतलब बैरी थी, डेफ थी, वो विदेश की थी, तो उसने बहुत गजब डांस किया सिर्फ रिदम के आधार पर। तो जज ने बोला यू हैव सेट द टेम्स ऑन फायर, मतलब जिसके कान नहीं है रिदम के आधार पर उसने डांस कर दिया गजब सा, तो उस जज ने बोला कि यू हैव सेट द टेम्स ऑन फायर, रियली इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है, बहुत गजब कर दिखाया। फिर आता है एज क्रोस फ्लाइज, एज क्रोस फ्लाइज, हाँ को घर खटे जाए, बोले बिल्कुल नाक की सीध में, बिल्कुल सीध हो जाओ ओरियो मार्को का घर, बिल्कुल स्ट्रेट एज द क्रोस फ्लाइज, एकदम सीध में, एकदम एकदम सीधा, ये रहा बिल्कुल सीधा है, बोलते ही कई बार पता बताने के लिए, एकदम सीध में या सीधा, और पास में होगा तो ओरियो एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस, सीध में होगा एज क्रोस फ्लाइज, एक तरफ पत्थर एक तरफ क्रो, क्रो यानी कौवा, कुछ नहीं किया हमने, वल्फ भेड़िए को उठाया, क्रो को उठाया, बर्ड को उठाया, पैरट को उठाया, कुछ नहीं उठाया, जो को उठा लिया वेट उसी कर ही चुके थे, वल्फ को और पकड़ लो। इसकी एक बहन है जो बहुत आती है, कीप अवे, कीप अवे वल्फ, इसको यूज भी करेंगे, फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, भेड़िया उसको दरवाजे से परे रखने का क्या मतलब होगा, फ्रेज बहुत काम आएगी, कीप अवे वॉल्फ फ्रॉम द डोर, यानी भेड़िए को आप कितना भी खिला दो, चिड़ियाघर में जाना भेड़िए को देखना, वो कितना भी खा लेगा मरा हुआ सही नजर आएगा, गरीब ही नजर आएगा वो, और आपका बियर होगा वो नहीं भी खाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वॉल्फ कहलाता है आपका भेड़िया, इसका मतलब है गरीबी को परे रखना। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग शिक्षा में क्यों जा रहे हैं, ताकि इस प्रॉब्लम से दूर रहे, नहीं पढ़ेंगे आज ही पढ़ाई छोड़ दो, हो सकता है हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए और हमें इस वे पे आना पड़े। कीप अवे वॉल्व फ्रॉम द डोर, गरीबी को दूर रखना, वॉल्व से दो आ गई, क्राई वॉल्व, सफेद झूठ बोलना, झूठा बहाना बनाना, कीप अवे वॉल्व फ्रॉम द डोर, गरीबी को, स्टारवेशन को, भुखमरी को, बेरोजगारी को दूर रखना, पैरट फैशन, भेड़ चाल, एक भेड़ कभी किसी को लीड नहीं करती है, वो फॉलो ही करती है, और शेर कभी किसी को लीड नहीं करता, लीड करता है वो, कभी किसी को फॉलो नहीं करता, ये दोनों में डिफरेंस है। तो पैरट फैशन, भेड़ चाल, यहां से लेते हैं आउट ऑफ वुड्स, खतरे से बाहर, यानी अब कोई खतरा नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन, असंभव, बिल्कुल असंभव है, अरे उसके यार 100 out of 100 आ गए, बोले नो नो सीपीसी सिविल में 100 out of 100, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, असंभव है ना, ठीक, ऑल एफर्ट्स एंटेड इन स्मोक, बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश की, आओ इस दीवार को खिसकाते हैं, ड्रैग करते हैं, खिसकेगी, नो, ऑल एफर्ट एंडेड इन स्मोक, क्राई वॉल्व, झूठा बहाना बनाना, सफेद झूठ बोलना, बार बार कुछ भी ऐसा बहाना बनाना जो समझ में आ जाए कि अब ये झूठ बोल रहा है। सो वाइलोट, दो अनाज काम में लिए, पहला गेहूं, उससे क्या था सेपरेट वीट फ्रॉम द चाफ, आज जो को ले लो, सो वाइलोट का मतलब है अय्याशी करना, कम विद फ्लाइंग कलर्स, एग्जाम दिया 2-10 के अंदर रैंक, फर्स्ट नहीं बनी, फर्स्ट में ये दे देंगे, 2 से लेके 10 तक की रैंक बनी, कम विद फ्लाइंग कलर्स, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया, कम विद फ्लाइंग कलर्स, 50 रन से हरा दिया, कम विथ फ्लाइंग कलर्स, आए तो सही लेकिन गजब, गजब जीत के साथ आए, वो गजब जीत कहलाएगी, कम विथ फ्लाइंग कलर्स, अजूबा ही कर दिखाया, युवराज ने किया था 6 बॉल 6 छक्के, सेट द टेम्स ऑन फायर, कोई कर सकता है क्या, सोच सकता है क्या, 1-2 तो हो जाते हैं, 6 छक्के 6 बॉल युवराज ने किया था, सेट द टेम्स ऑन फायर। बर्ड्स ब्रेन, एकदम मूर्ख व्यक्ति, स्टूपिड है, सिली है, ज्ञान नहीं है, एज क्रोस फ्लाइज, क्रो कौवा, कुछ काम भी नहीं आ रहा था, काम काम करता था, वो भी काम आएगी, कोयल भी, कोयल भी काम आएगी, कोयल भी काम आएगी, कोयल से क्या कहते हैं, कुक्कू नेस्ट, कोयल को कुक्कू कहते हैं, कुक्कू नेस्ट, कुक्कू नेस्ट का मतलब होता है बिन बुलाया मेहमान, कुक्कू कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है,
बिन बुलाया मेहमान, मेहमान बिन बुलाया मेहमान कुक्कू नेस्ट। एक और कहते हैं कुक्कू, तो दूसरा नाम भी है सैलो स्वैलो, वो भी काम आएगी। आपके घर में कोई आया था ना, वो एक फिल्म आती थी कब जाओगे, एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, तो उसमें जो परेश रावल होता है ना, वो कुक्कू नेस्ट होता है, वो बिन बुलाया आता है और जाता ही नहीं है। वो तो खैर फिल्म थी कुक्कू नेस्ट। मजा आया, मार्को शानदार हो रही है मेरी अरेंजमेंट है, मार्को शानदार हो, लिखने में कितना मजा आता है, नहीं आधा तो हिस्से चला जाता है। तो देखिए आप, सो वाइल्ड हॉर्स, अय्याशी करना, शानदार जीत के साथ वापस आना, कब विद फ्लाइंग कलर्स, अजूबा कर दिखाना, सेट द टेम्स ऑन फायर, मूर्ख इंसान बर्स ब्रेन, एकदम सीर में एच क्रॉस फ्लाइज, भेड़ चाल पैरट फैशन, गरीबी को दूर रखना, कीप अवे बॉल फ्रॉम द डोर। अब 2 मिनट का रिपीटेशन, मन ही मन, और आ जाते हैं वापस हमारे रोटेशन सेक्शन में। कहीं तो घर पे ले जाके नहीं पटकना इसको, हमें आरजे में 15 आउट ऑफ 15 खेचना है, तो हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम कमांडो ट्रेनिंग है। जो प्रेजेंट में रहेगा वो पक्का आरजे से, पक्का श्योर, लिखवा लो अभी। हो गया 2 मिनट का रिपीटेशन करें, आइए बिन बुलाए मेहमान, कुक्कू नेस्ट, खतरे से बाहर, आउट ऑफ बोर्ड, असंभव, आउट ऑफ क्वेश्चन, सारे प्रयत्न बेकार हो जाना, ऑल एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। मैंने नोट्स बनाए थे इतने बढ़िया, किसी ने आग लगा दी ले जाकर, धुआं बन के उड़ गया, क्या फायदा हुआ, ऑल एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। सफेद झूठ बोलना, ट्राई गोल्फ, अय्याशी करना, सो वाइल्ड और शानदार जीत के साथ वापस आना, फ्लाइंग कलर्स, अजूबा कर दिखाना, सेट द टेम्स ऑन फायर, एकदम सीध में एस क्रॉस फ्लाइज, बिल्कुल पास में, एट स्ट्रॉन्ग थ्रो डिस्टेंस, भेड़ चाल पैरट फैशन, गरीबी को परे रखना, कीप अवे बॉल फ्रॉम द डोर। बॉल भैया तू दूर रहे, क्योंकि आप बिल्कुल पतला रहता है भेड़िया, क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है। क्लियर एकदम, आइए अब सेकंड सेक्शन में चलते हैं, और आपको 15 मौके है, सिर्फ 2, 4, 5, 10 सेकंड में। क्लियर एकदम, आइए अब खेलते हैं सिनोनिम का खेल, अब खेलते हैं सिनोनिम का खेल या एंटोनिम्स का खेल, सिनोनिम्स का खेल यहीं पर। आइए फर्स्ट कहते हैं हम CTS, कावर, CTS कावर, दूसरा टिम्बल, तीसरा शिवर, क्या मतलब है अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा खुलवा देते हैं STD की दुकान, दूसरी खुलवा देते हैं STD की दुकान, किसको खुलवाते हैं अभी देखते हैं, पहले क्रिएशन बाद में प्रेजेंटेशन, CC, दूसरा चिमोरस, तीसरा टिमिड, जो इजीली याद हो याद कर लेना, लेकिन एग्जाम में पढ़ा हुआ शब्द कभी धोखा नहीं देता है, ये नहीं कि अभी याद ही रहेगा। लास्ट कार्ड, STD की दुकान खुलवा दी आपने, पहले CTS का ड्राइवर बना दिया आपने, बनाते रहो, हमें तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। अब बना देते हैं किसी को RAS, IAS बाद में बनाएंगे, आप बोलो। नहीं अभी आ रहे हैं ना, ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है, अभी सेकंड पे आएंगे, चिंता मत करो, फिर थर्ड पे जाएंगे, ये तो पार्ट फर्स्ट। RAS, इसका मतलब क्या हो गया, त्याग करना। ये आते ही हमारी एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे पेपर पूरा कवर करना है, मैं पेपर को छोड़ ही नहीं सकता। RAS त्याग करना, पहला वर्ड रिनाउंस, दूसरा वर्ड अबेंडन, तीसरा वर्ड शान, त्याग करना। STD कायर की, कायर ने STD खोल ली, बुजदिल ने STD खोल ली, RAS ने त्याग कर दिया, क्योंकि IAS मर गया तो त्याग ही करेगा, RAS को क्यों लेगा वो आप। CTS वाले का कांपना, धूझना, थर्राना, कांपना जैसे धरती धूझती है अर्थक्वेक में, डर के मारे यहाँ पर भी कभी कभी धूझते हैं, या कमजोरी के कारण, या BP के कारण, या डायबिटीज के कारण, इंसान क्या करेगा, काउ ट्रिबल शिवर। STD कायर की, RAS ने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, IAS मर गया, क्यों आएगा RAS में। अबेंडन, ABANDON, अबेंडन तो आपके लोकल वर्ड है, अबेंडन यानी त्यागा हुआ। शन, SHUN,
SHUN। सिनेरियम नहीं छोड़ना है, एंटिटी नहीं छोड़ना है, फेज नहीं छोड़नी है, एडियम नहीं छोड़ना है, ग्रामर नहीं छोड़नी है, कुछ नहीं छोड़ना है। टारगेट 15 आउट ऑफ 15। आरएस त्याग करना, रिनाउंस अबैंडन शान, आरएस का त्याग कर दिया हमने, आरएस को बुला लिया, तो एक और पोस्ट बुलाते हैं आईईएस। आईईएस होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी करवाती है इंजीनियर्स के लिए। इसका मतलब होगा जाल में फंसाना, किसी को जाल में फंसा लिया। एसीबी वाले फंसाते हैं, जब किसी को रिश्वत लेते हुए पकड़ना होता है तो वो उसको पाउडर वाले नोट भेजते हैं ना, वो जैसे ही पाउडर वाले नोट लेता है, आ जा भैया ट्रैप में आ गया तू। IES, इन स्नेयर, जाल में फंसाना। एंट्रैप, एंट्रैप और एन स्नेयर, जाल में फंसाना, और स्नेयर भी जाल में फंसाना। आपने चूहे और शेर वाली कहानी सुनी थी, उसमें वो शिकारी शेर को जाल में फंसाता है, IES करता है। ACB वाले, एंटी करप्शन ब्यूरो वाले लोग रिश्वत लेने वाले लोगों को IES करते हैं, जाल में फंसाते हैं। त्याग करना, रिनाउंस अबैंडन और शान, छोड़ देना, त्याग देना, शान अबैंडन रिनाउंस। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने घरबार का त्याग किया था, रिनाउंस किया था। घरबार को क्या कहते हैं वो भी लिख लीजिए आप। हार्थ एंड होम, किसी के लिए आता है, हार्थ एंड होम घर बार को कहते हैं। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने शांति और मोक्ष की तलाश में अपने घर बार का त्याग किया था। गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी हैड रिनाउंस्ड हिज हार्ट एंड होम इन द क्वेस्ट ऑफ पीस एंड साल्वेशन। पीस कहते हैं शांति को, साल्वेशन कहते हैं मोक्ष को। अबैंडन, जैसे आपकी बाइक खराब हो गई और आपने उसे छोड़ दिया, अबैंडन। हमने हमारे गांव के मकानों को अबैंडन कर दिया क्योंकि शहर में रहने लग गए। यदि जयपुर को भी छोड़कर कहीं चले जाएं तो जयपुर के मकान अबैंडन कर दिया। IES को जाल में फंसाया, IES को जाल में फंसाया। और आखिरी आज का प्रेजेंटेशन MSc। MSc का क्या मतलब होगा? मास्टर ऑफ साइंस तो लोग जानते हैं, अपना मतलब है हाथ पैर काट देना या हाथ पैर तोड़ देना, पंगू बना देना। इसका देखो एक ही मतलब है, यदि लगाना होने कट हैंड एंड लिम, कट हैंड एंड फीट, हाथ पैर काटना या पंगू बना देना। पंगू का मतलब चल नहीं सकता है। इसको मैं जानबूझ के ला रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी खींचेंगे इसको। किसी के हाथ पैर काटना मेम, किसी के हाथ पैर तोड़ना या काटना स्कॉच या क्रीपल। इस क्रीपल को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्रिपल, क्रिपल का मतलब अपाहिज या पंगू। बेम स्कोच क्रिपल, इसमें कुछ नहीं लगाना है, कोई हाथ नहीं लगाना, कोई पैर नहीं लगाना, कोई काटना नहीं लगाना, सीधा बेम स्कोच और क्रिपल को यूज करोगे। या कुल मिलाकर ऐसी दशा में पहुंचा देना जहां पर आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं सकते। बेम स्कोच और क्रिपल, क्रिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है कि देख तो रहे पुलिस वाले कि अपराध हो रहे हैं मगर कर कुछ नहीं रहे, देख रहे बड़े आराम से, एज ए ब्यूट स्पेक्टर्स। तो आपके सामने प्रेजेंटेशन, 15 वॉक है एक साथ, वो भी कुछ सेकंडों में। CTS का ड्राइवर कांप रहा है, टायर ने STD खोल ली, RS ने त्याग कर दिया, IES को जाल में फंसाया, MSc स्टूडेंट के हाथ पैर तोड़ दिए। 15 वॉक है, वह बहुत शानदार। लोग कहते हैं एडिटिव सिनेरियम नहीं होते, अपन कहते पूरी ऑक्सफोर्ड घुमा देंगे। आज का पहला चरण समाप्त होता है जहां पर हमने सिनेरिम्स और एंटोनिम्स को कवर किया, सिनेरिम्स और एंटोनिम्स को कवर किया, सिनेरिम्स और एंटोनिम्स को कवर किया हमने हमारे पहले चरण में। CTS, काउ, ट्रिबल, शिवर, कांपना, टायर की STD, CC, टिमोरस, टिमेट और डास्टार्ड, त्याग करना, रिनाउंस, अबैंडन और शान, जाल में फंसाना, IES, इन स्नेयर, एंट्रैप, स्नेयर और स्नेयर, पंगू बनाना, जैसे लकवा भी बना देता है, अपना प्रशासन भी हो सकता है, यानी कुल मिलाकर वो देख तो रहा है मगर कर कुछ नहीं रहा, उस स्थिति को मेम कहते हैं, स्कोच कहते हैं, क्रिपल्ड कहते हैं। जैसे
अपन को ऐसे लिखना है चाइल्ड लेबर पर, अपन को ऐसे लिखना है चाइल्ड लेबर पर एक ऐसे लिखना है, चाइल्ड लेबर पर बाल श्रम पर एक ऐसे लिखना है। वहां पर इसके लिए लो बना हुआ है ना, कितना काम करता है ये बताना मेरे को। चाइल्ड लेबर पर बाल श्रम पे जो लो बना हुआ है कितना काम करता है, 12-12 साल के बच्चे लीगल उसमें कैंपस में भी चाय उठाते मिल जाते हैं, दिया तले देने वाली बात है कि नहीं। तो वो जो लो बनाया वो क्या क्रिपल्ड लो नहीं है क्या? डाउरी वाला जो लो है कितना काम भी कर रहा है ये बताना मेरे को। तो क्या डाउरी वाला लो क्रिपल्ड नहीं है क्या? देख तो सब कुछ रहा है कि तो वो गोचे मार के उड़ी ले रहा है इससे, फिर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा ना, गोचे मार के अंदर ही अंदर वो ले ली होंडा सिटी, क्या कर रहा है? क्रिपल्ड है वो लो। कई उसमें कस्टम में खत्म हो गया साहब, दुनिया के सामने 10-10 रुपए देंगे और कुछ नहीं देंगे, पीछे से उसको पूरा लूट लेते हैं। क्या है वो जो लो है? क्रिपल्ड नहीं है क्या? देख तो सब कुछ रहा है पर कुछ भी नहीं रहा, तो दैट इज क्रिपल्ड लो। सच टाइप लो बा क्रिपल्ड, वो सिर्फ फाइलों की शोभा है, वो सिर्फ फाइलों की शोभा है। एक्चुअल में क्या रोल निभा रही थी? चाइल्ड लेबर खत्म नहीं हो जाएगा? अपन 12 साल का बच्चा एक ऑटोशॉप पे काम कर रहा है, फटाफट बाइक खोलता है, हम उसको देखते हैं लॉ से रिलेटेड लोग भी क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ पर तो छोड़ो, जिनको अथॉरिटी है, ऑथेंटिक पावर है, वो भी कुछ नहीं करते, सिर्फ देख के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लो, वो सिस्टम, वो मेथड, वो प्रणाली, वो सोसाइटी, वो देशन, सबका सब क्या है? क्रिपल्ड। देख तो सब कुछ रहा है कर कुछ नहीं रहा। क्लियर? एक बार रिपीटेशन पे चलते हैं, पार्ट सेकंड की तरफ। रिपीटेशन यहीं पर, क्योंकि घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। CTS आया, क्लियर कर दो। काउ ट्रिबल शिवर, कांपना या धूझना। STD कायर की, CC चिमोरस नास्टर। RS का त्याग कर दिया, रिनाउंस अबैंडन शान। जाल में फंसाया, एनिस्टेयर एनिस्टेयर एंट्रैप स्नेयर। MSc स्टूडेंट के हाथ पैर तोड़ दिए, मेम स्कोच क्रिपल। और हार्ट एंड होम किसको बोलेंगे? क्लियर फ्रेंड्स? पहला पार्ट मजा आ गया, ये था ब्रेकफास्ट, अब करते हैं लंच। आ जाओ पार्ट सेकंड पर, दिमाग को वाइड करो, सिलेक्शन कौन सी बड़ी चीज है? क्यों सत्यवीर आ जाए ना, आइए पार्ट सेकंड, जिसका नाम था एग्जेक्टिव। आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लिखा क्वेरी बनाते हैं, फिर मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं एक अलग मेथड के जरिए। कैट्स एंड डॉग्स से आप डिस्कस कर चुके हैं, कैट्स एंड डॉग्स से कहते हैं मूसलाधार बारिश, और यदि कैट्स एंड डॉग्स के साथ आप लाइफ लगा देंगे तो कलयपुर जीवन। कोई इंसान की नहीं बनती है, कलयपुर जीवन है वाइफ, हस्बैंड और वाइफ में, तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। नॉलेज दिमाग से क्रिएट करनी है, कोई किताबों से नॉलेज क्रिएट नहीं होती है, और कोई करने की कोशिश करता है तो ठीक है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I have invited my friends to my wedding. टेंस का रोटेशन हो रहा है, ग्रामर का इंट्रोडक्शन हो रहा है नए अंदाज में। हमने फ्रेजेस पढ़ ली, हमने सिमिलर एंटोनिम्स पढ़ लिए, 15 out of 15 मेरा टारगेट है, उसी की ट्रेनिंग है। स्टूडेंट एसटी बी ए टीचर्स ड्यू टू दियर साउंड सैक्रामेंट्स। साउंड सैक्रामेंट्स कहते हैं अच्छे संस्कार को, अच्छे संस्कार साउंड सैक्रामेंट। आप पार्ट बी ग्रामर में आ गए, अच्छे संस्कार। ट्रेनिंग जितनी टफ होती है ना, सफलता उतनी ईजी होती है। लोग ट्रेनिंग से डरते हैं, और ट्रेनिंग देना भी नहीं है, देते भी नहीं है ना लोग, प्रॉब्लम ये है। इतनी शुरू करनी है, फॉर्मेलिटी करनी है,
फॉर्मेलिटी से सिलेक्शन होता तो हर सेकंड घर से ऑफिसर निकल चुका होता। पैसिव का सेंटेंस हैड बीन सोल्ड, यूटेंसिल्स करेंगे पहले। यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन, जो स्टील के बर्तन है यूटेंसिल्स। हैड बीन सोल्ड ड्यू टू माई पेक्यूनियरी प्रॉब्लम। पेक्यूनियरी प्रॉब्लम कहते हैं पैसे की समस्या को। पेक्यूनियरी प्रॉब्लम कहते हैं पैसे की समस्या को। यहाँ पर कहानी कहती है आपसे, क्या कहानी कहती है वो देख लीजिए आप। यूटेंसिल्स बर्तन को कहते हैं और मिट्टी के बर्तन कहलाता है क्ले वेयर्स। क्ले वेयर्स कहलाते हैं मिट्टी के बर्तन। जो कुम्हार बनाता है वो मिट्टी के बर्तन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको एनवायरनमेंट का ऐसे लिखना है तो क्ले वेयर्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि क्ले वेयर्स में हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है और किसी भारतीय को रोजगार मिलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। एक आप हांडी में दाल बनाइए, एक ये एल्यूमिनियम में दाल बनाइए, जमीन आसमान का फर्क। एक अपन हांडी में दूध गर्म करते हैं, एक ये में गर्म करते हैं, फर्क पड़ता है। यूटेंसिल्स हैड बीन सोल्ड ड्यू टू माई पेक्यूनियरी प्रॉब्लम। यू शुड डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। आपको उससे प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहिए, आप करना चाहिए प्रोजेक्ट विथ मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस कहते हैं आपके मॉडिफिकेशंस। यहां पर आपकी ग्रामर एक्सपेक्ट करती है कि आपको तीन वर्ड मैं दे रही हूं, पहला एफ यू, दूसरा है एफ यू और तीसरा कहता है द फ्यू। ये ग्रामर आपसे उम्मीद करती है कि तीनों में से आपको कोई शब्द पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, विद ग्रामर कंसेप्ट के साथ करना है। ये फ्यू फ्यू और द फ्यू। थर्ड एंड फोर आगे से। ओके आपसे थर्ड पॉइंट कहता है और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है देखिए आप। ड्यू टू साउंड साउंड सैक्रामेंट्स। ड्यू टू साउंड सैक्रामेंट्स। और पेक्यूनियरी प्रॉब्लम कहलाती है आपकी पैसे की समस्या। पेक्यूनियरी PECU NIARY। पेक्यूनियरी प्रॉब्लम पैसे की समस्या। मॉडिफिकेशंस जो मॉडिफिकेशंस करते हैं। ग्रामर कहती है तीन वर्ड मैं दे रही हूं आपको लेकिन विद कंसेप्ट पढ़ना है। मॉडिफिकेशंस फ्यू एफ फ्यू द फ्यू में क्या फर्क है? इस बोतल के अंदर जो पानी है ये अनकाउंटेबल है और ये बोतल खुद काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं। इससे से मैं ले लेता हूं, ये आपकी जो है पानी है वो अनकाउंटेबल है और जो हमारी ये बोतल है वो काउंटेबल है। ये जो पेन है ये काउंटेबल है, इसके अंदर जो स्याही है वो अनकाउंटेबल है। ये खुद एक थ्योरी है। सपोज करिए हमारी क्लास में स्टूडेंट है 100, आज भारी बारिश हुई है, बच्चे आए 4, क्या 4 को पढ़ाएंगे क्या? नहीं, न के बराबर बच्चे आए हैं। आए तो हैं बच्चे 4, 5, 6, 7। अब 7 का यदि आप 100 निकालो तो परसेंटेज आता है 7%। बोले 7 में टॉपिक खराब होगा, नहीं पढ़ाते, ऐसा करो आज छुट्टी करते हैं। इसलिए ग्रामर यहाँ पे कहती है यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट्स कर दीजिए आप। न के बराबर फ्यू स्टूडेंट्स हैव टर्न अप इन क्लास। थोड़े से न के बराबर स्टूडेंट क्लास में आए हैं। आए हैं काहे के लिए? ड्यू टू कैट्स एंड डॉग्स रेन, मूसलाधार बारिश के कारण। 100 बच्चों की क्लास थी, केवल 4 बच्चे क्लास में आए हैं।
इसलिए क्लास नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि न के बराबर। लेकिन क्या खाली है? क्या नहीं, खाली भी नहीं है, बच्चे तो आए हैं, चार ही आए हैं, क्लास नहीं हो सकती, पांच छह सात आठ नौ भी नहीं होगी, न के बराबर है। 100 का 9% कोई वैल्यू नहीं रखता है। चढ़ना भाजी रोना, कैट सेंट लोग से मूसलाधार बारिश, फ्यूज फ्रेंड्स का मतलब न के बराबर। काउंटेबल नाउन के लिए आएगा जिसकी आप गिनती कर सको। अभी बात करते हैं इसके बारे में। आई हैव इनवाइटेड, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, फ्यू फ्रेंड्स टू माई वेडिंग पार्टी, वेडिंग पार्टी या शादी, मैंने थोड़े से स्टूडेंट अपने दोस्तों को बुलाया है, एफ यू, यदि नहीं बुलाऊंगा तो बोलूंगा एक आए, वो थोड़े से वो बुलाया है, मेरे हैं 50 दोस्त, मैंने बुला लिए 15, 16, 17, ज्यादा को नहीं बुलाया, पूरे को नहीं बुलाया। आई फ्यू फ्रेंड्स टू माई वेडिंग, मैंने अपनी शादी में थोड़े से स्टूडेंट्स को बुलाया है, पॉजिटिव है, काम चल सकता है। इनवाइट के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, दूसरी ग्रामर, प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस में आपका वाक्य है, तीसरी ग्रामर। तोड़ दो पूरे सेंटेंस को, ग्रामेटिकली तोड़िए आप, क्योंकि आप अब 20-22 बाद इस चीज का ओरिजिनल वो करेंगे, फेस करेंगे। तो इनवाइटेड के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, हैव प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस है, इफ यू, क्यों आया? क्योंकि आपका थोड़ा सी पॉजिटिविटी, हाँ दो तीन को बुलाओ 50 में से, क्यों को लिख देना। नेक्स्ट आइए, स्टूडेंट एस्टीम दिया टीचर्स ड्यू टू साउंड सैक्रामेंट, मैंने पहले पॉजिटिव कर दिया, अच्छे संस्कारों के कारण, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, उसके कारण एफ यू स्टूडेंट अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं, इतने तो हैंगी, काम चल जाता है। 100 में से 20-25 स्टूडेंट आदर करते हैं अपने टीचर्स का, ऐसा ही नहीं के बराबर 100 में से एक टीचर ही नमस्ते बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी हमारे संस्कार और परंपरा जिंदा है, इसलिए अब यू लिखा आपने कि अभी चांसेस बाकी हैं। हाँ, 100 में से कोई दो ही नमस्कार करे, प्रणाम करे, अपन बोलेंगे सर फ्यू लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में भी नहीं है। अब मैंने कहा था वही कहानी, जिसका नुकसान हो गया, 100 स्टूडेंट की क्लास थी, 20-25 आ गए, तो वहां पर फ्यू लिख दिया। अब भारी बारिश हो रही थी, सर भी नहीं आए, वॉचमैन था, उसने कहा कि सर बच्चे तो पूरे नहीं आए, लेकिन जो भी आए थे वो वापस चले गए, तो हमने कहा वो दू थे, नुकसान होते दू रिलेटेड, नुकसान होते दू रिलेटेड, अनकाउंटेबल होगा अ लिटिल, सॉरी द लिटिल, और यदि काउंटेबल है तो दू। 100 में से 20 आए थे या 25 आए थे या 4 आए थे या 3 आए थे या 2 आए थे वो भी वापस चले गए। उसी तरीके से जो कुछ थोड़े से बर्तन थे, जो कुछ थोड़े से बर्तन थे वो भी बिक गए थे मेरी आर्थिक समस्या के कारण। अब वो जो कुछ थोड़े से बर्तन थे वो 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, वो मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग बात है, उसमें दादागिरी नहीं है, वो दफ्यू कुछ भी हो सकते हैं। अब 1000 स्टूडेंट है तो वहां पर 50 दफ्यू हो सकते हैं, और 100 स्टूडेंट है तो वहां पर जो आपके 25 और 16 और 18 दफ्यू हो सकते हैं। यू शुड डिस्कस, आपको ये डिस्कस करना चाहिए, क्या आपको ये डिस्कस करना चाहिए, क्या डिस्कस करना चाहिए, दिस प्रोजेक्ट विथ मॉडिफिकेशन, क्या यहाँ पर इलेक्टिल आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, यहाँ पर आएगा इफ यू, क्योंकि मॉडिफिकेशंस को आप गिन सकते हैं, कितने मॉडिफाई करने में, कितने चीज को चेंज करें, अपन चेंज कर सकते हैं 2, 3, 4, 5, तो वहां पर आपका एफ यू आएगा, एफ यू मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो आपका पॉजिटिव है, वो आपको पॉजिटिव बनाता है, एफ यू मॉडिफिकेशन आएगा। यू शुड डिस्कस दिस प्रोजेक्ट With a few modifications. तो गुजरती हुई कहानी आपको ये सिखा गई कि यदि आपका नाउन काउंटेबल है और नगण्य है तो few आएगा, उसमें पॉजिटिविटी है तो a few आएगा, और उसमें जो भी नुकसान हो गया तो पता ही नहीं चला कि the few और a few है। कैसे? अब इसका एक मैथमेटिकल ग्राफ, यदि हम दूध वाले से लीटर में दूध ले रहे हैं तो वहां पर लिटिल ए लिटिल द लिटिल का यूज करेंगे, और हम सरस की थैलियां लेकर आ रहे हैं और वहां पर कम ज्यादा है तो फ्यू ए फ्यू द फ्यू का यूज करेंगे। सीधी सी कहानी है। यदि मैं आपसे कहूं कि 20 लीटर पानी लेकर आना,
मैंने आपसे कहा 20 लीटर पानी चाहिए अपन को या दूध चाहिए, पापा लेकर आए आप 3 लीटर, तो आप जिसे कहते हैं लिटिल का यूज करेंगे, आप ले आए 11-12, काम चला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, आप वहां पर लिटिल का यूज करेंगे, लाए थे उसका भी नुकसान हो गया लिटिल। मैं कहता हूँ वो थेलियां लेकर आना, वो पाउच लेकर आना, वैसे मत लाना, दही है दूध है कुछ भी, अपन को 20 की जरूरत थी, आप ले आए वहां पर 4 ले आए, ये बोतल ले आए, मान लो 4 बोतल ले आए, 4 बोतल से प्यास नहीं बुझेगी, फ्यू बोतल्स आप ले आए 12-13, ठीक है उतना उतना नहीं पिएंगे, थोड़ा कम कम कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, अभी इतनी ले रहे थे अब इतनी इतनी कर लेंगे, शेयर करते ना कई बार, थोड़ी थोड़ी ले लो, तो एफयू आ गया, लाए थे लोग वो भी चोरी हो गई, लाए थे वो भी चोरी हो गई या नुकसान हो गया या गिर गई, वो किसमें बदल गई, एफयू में। बस इतनी सी कहानी है और कुछ कहानी नहीं है, आइए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्यू न के बराबर नगण्य, न के बराबर नगण्य, मतलब बोलने का कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन बोलेंगे जरूर, 2 स्टूडेंट भी आए, खाली थोड़ी क्लास, 100 की क्लास थी, 2 बैठे हो आप, खाली तो नहीं बोलूंगा ना, फ्यू स्टूडेंट्स। दूसरा एफ यू, थोड़ा सा पॉजिटिव है, 25 लोग हैं, चल जाएगा काम, एफ यू थोड़ा सा, एफ यू थोड़ा सा। और तीसरा कहता है द फ्यू, तीसरा कहता है द फ्यू, जो कुछ थोड़ा सा, नुकसान होने के बाद ही बोलेगा, जो कुछ थोड़ा सा। तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होगा, तीनों का प्रयोग काउंटेबल यानी जिसकी गिनती कर सको काउंटेबल नाउन के लिए होगा, तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होगा, फ्यू और फ्यू द फ्यू। और वही अपना ग्राफ, यदि यही नाउन हमारी अनकाउंटेबल है, यही कहानी हमारी अनकाउंटेबल है और यही कहानी हमारी काउंटेबल है, तो पार्ट ए में जाना है, बोतल है, दूध के पाउच हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, दही के वो पैक हैं, वैसे नहीं ले रहे अपन, यदि न के बराबर है तो हमारा फ्यू, यदि है संभावना अफ्यू, और यदि नुकसान हो गया द फ्यू। पानी है, दूध है, दही है, सीमेंट है, दाल है, राइस है, लिटिल अ लिटिल और द लिटिल किसके साथ आएगा, वाटर के साथ, पानी के साथ, किसके साथ आएगा, कर्ड के साथ, किसके साथ आएगा, सीमेंट के साथ, जिसकी गिनती ना कर सको, ये सीमेंट के कट्टे बोल दो इधर आ जाओगे, यही कर्ड के वो डब्बे बोल दो इधर आ जाओगे, यही वाटर बोल दो, वाटर के वो ये बोतल बोल दो, पाउच बोल दो इधर आ जाओगे। फ्यू किसके साथ आएगा, फ्यू आ गया मोबाइल के साथ, फ्यू आ गया स्टूडेंट्स के साथ, फ्यू आ गया पीपल के साथ। कोरोना वायरस के दौरान जो है फ्यू पीपल जो है मंदिर जाते थे, न के बराबर रोज रहती थी, आज हजारों की संख्या में, उस समय तो कोई रेयर टू रेयर आता था, रेयर टू रेयर यूज करता था, तो फ्यू न के बराबर, लिटिल न के बराबर अनकाउंटेबल नाउन, आपकी कटोरी में इतना सा दही है कि दिखने में तो दही है लेकिन एक रोटी भी आप नहीं खा सकते, लिटिल कर्ड, आपकी बोतल में इतना सा पानी है कि एक जने की भी प्यास नहीं बुझ सकती, लिटिल वॉटर, प्यास बुझ जाएगी पूरी तो नहीं, और लिटिल वॉटर, 4 रोटियां हैं, 3 रोटी खा लेंगे, 1 रोटी को फिर बिना खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिटिल कर्ड था वो भी बिल्ली खा गई, पी गई, कुछ भी कर गई, था लिटिल कर्ड। हम 10 दोस्त हैं, आज पार्टी बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, बाजार में मिली 2 बोतल, नहीं चल सकता, 10 में 2 कैसे डिवाइडेड करें, फ्यू बोतल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक नहीं आ गई, 4 के करीब आ गई, 4 को 10 में डिवाइडेड किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा, ए फ्यू बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक लाए थे, यहाँ पर 4 लाए थे, 3 लाए थे, 2 लाए थे, लेकिन पूरी नहीं थी, 10 पूरी थी तो पता है, 4, 3, 2, 4:30 से ज्यादा नहीं जाना है, हाफ पे भी नहीं जाना है, लाए थे लोग वो भी कुछ चोरी करके ले गया, तो द फ्यू बॉटल्स हैड बीन स्टोलन। क्लियर ग्राफ, काउंटेबल है दूध दही, आज आप जब खाओ
तो इस पानी को भी देखना, पानी की बोतल को भी देखना, और आप यदि दही लाए हो तो आप उसको पाउच को भी, दही को देखना तो इधर वाले सेक्शन में, और पाउच को देखोगे तो इधर वाले सेक्शन में। अपन सबको आज मान लो लंच करना है तो नहीं यार दही मंगा ले, कितना यार बाजार में मिला ही नहीं। मैंने कहा एक एक के लिए, एक एक लिए आना, बोले सर मिला ही नहीं, दो ही मिले हैं, अब क्या करें, नहीं हो सकता, एक एक चम्मच चटना मत मिले तो नहीं होगा, कैसे होगा। हाँ इतना आ गया कि जो अपन की रिक्वायरमेंट है सफिशियंट, काम चलाते ही नहीं कई बार, वो हमारा चला गया। वो पाउच लाए हो तो इधर लाए थे, इधर रखा, वापस आए कोई ले गया, वो भी इधर। क्लियर कहानी ग्रामर की? दूसरे पॉइंट पर आइए, दूसरा इसका भी वो गलती होने में चांसेस बहुत अच्छा, वो गलती करवाता ही करवाता है अच्छे अच्छे कलाकारों से भी। मैंने सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, देयर आर, ये ऐसे ही आएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा ये ऐसे ही पूछेगा, देयर आर नो देन स्टूडेंट्स इन क्लास, आप बहुत जल्दी इसका आंसर दोगे, लेकिन आंसर गलत होगा ये और बता रहा हूं। क्लास में जो है 50 स्टूडेंट्स, क्या पूरा ही कर दूं, देयर आर देन 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में जो है 50 से कम स्टूडेंट नहीं है, क्लास में 50 से कम स्टूडेंट नहीं है, देयर आर नो देन 50 स्टूडेंट इन क्लास। नंबर दो, ये ऐसे ही बनेगा, जब भी बनेगा देर से शुरू करेगा, फिर नो करेगा, फिर डैश डैश करेगा, फिर डैश डैश करेगा, फिर देन लगाएगा 500 पैसेंजर्स इन अ शिप, जहाज में 500 से कम यात्री नहीं है, या थे तो वर लगा देगा, है तो आर लगा देगा, ये देर में खुद ग्रामर का रूल है, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। फिर लिख दिया मैंने, देयर इज नो ब्लैंक स्पेस देन 50 लीटर ऑयल इन ए कैन, कैन का मतलब पीपा वगैरह कुछ भी, एक कैन में 50 लीटर से कम वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑयल नहीं है, यानी खाने का पीने का कुछ भी ऑयल नहीं है, और इसी को मैंने और आगे रंग दे दिया। टैंक में चलते हैं, पानी की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, लेकिन आपने टैंक खोला और टैंक खोल के क्या कहा, देयर इज नो देन 100 लीटर या 50 लीटर कर दो, 50 लीटर वाटर इन ए टैंक, 50 लीटर से कम पानी नहीं है टैंक में, आपने टैंक को खोला और ये बोला, आज ग्रामर के वे में खोलना। और एक और इसका लास्ट, क्वेश्चंस हैड बीन अटेम्प्टेड बाय मी, ऐसे हुआ सेंटेंस है, बहुत कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे द्वारा अटेम्प्ट किए गए थे परीक्षा में, महत्वपूर्ण प्रश्न तो लिए नहीं मैंने, क्वेश्चंस हैड बीन अटेम्प्टेड बाय मी, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है, और फिर कर दिया इधर से पीपल बहुत कम महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस किए गए थे हमारे द्वारा, एक डिस्कस को भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, डिस्कस के साथ कभी प्रपोजिशन नहीं आता है, डिस्कस अबाउट नहीं होता है, जीरो प्रपोजिशन लेता है, जीरो प्रपोजिशन लेता है, डिस्कस के साथ अबाउट का यूज गलत है, डिस्क्राइब के साथ अबाउट का यूज गलत है, हाईलाइट के साथ ऑन का यूज गलत है, डिस्कस अबाउट नहीं होता है, डिस्कस विथ हो सकता है, डिस्कस अबाउट नहीं होता है, डिस्कस के साथ विथ आ जाएगा जब आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे, डिस्कस अबाउट नहीं होगा, इसमें ये और कर देना, अबाउट, डिस्कस अबाउट नहीं होता है, डिस्कस विथ हो सकता है, डिस्कस अबाउट नहीं हो सकता है। तो ग्रामर फिर आपसे उम्मीद करती है कि मैं आपको तीन वर्ड दे रही हूँ, तीन वर्ड में से किसमें क्या भरेंगे, क्यों भरेंगे, आइए ग्रामर कंसेप्ट देते हैं अपन। यहाँ पर मैंने लिखा देयर आर नो देन 50 स्टूडेंट क्लास, इस क्लास में जो है 50 से कम छात्र नहीं है,
ग्रामर आपको दो पॉइंट देती है कि पहला लेस और दूसरा लेसर, बताइए क्या बनेंगे, पहला लेस और दूसरा लेसर। वैसा क्लास में 50 से कम स्टूडेंट नहीं है, देयर आर नो लेस देन 50 स्टूडेंट इन क्लास, या देयर आर नो लेसर देन 50 स्टूडेंट इन क्लास, 50 स्टूडेंट इन क्लास, क्या बनेंगे आप? देयर आर नो लेस देन 50 स्टूडेंट इन क्लास, लेस देन, पक्का श्योर? ना लेस आएगा ना लेसर आएगा, इसका तीसरा भाई आएगा फ्यूअर, जो मैंने लिखा नहीं जान पूछ के। क्यों आएगा? अभी वजह बताते हैं, बिना वजह के तो कोई वजह पैदा ही नहीं होती है। यहाँ पर 99% क्या 100% लेस भरेंगे, लेस ही भरते हैं। आज तक फ्यूअर कभी सुना है क्या? आज तक की बाय द टाइम लेस तो बहुत बार सुना है, तुक्का भी मार के तो लेस ही आना है। दूसरे में देर आर नो फ्यूअर लिखा मैंने, क्यों लिखा? अभी वजह बता देते हैं। देर इज नो लेस देन लेस लिखा यहाँ पर, देर इज नो लेस देन लिखा यहाँ पर, यहाँ पर लिखा लेस, ये गया आप इस भाई साहब को बुला लो, यहाँ पर मेहंदी के साथ ही आता है ये मेहंदी लेसर, इसका लेस से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो लेस की कंपेरेटिव डिग्री है, इसका लेस से कोई लेना देना नहीं है, दूर का न पास का, दोस्ती का न दुश्मनी का। फिर यहाँ पर लिखा मैंने मेहंदी लेसर, पहले भर लो, अब क्वेरी अब डिस्कस करते हैं इससे बहुत अच्छे से कि पहले में सर फ्यूअर क्यों आया, दूसरे में लेस क्यों आया, तीसरे में मेहंदी लेसर क्यों आया। ये तीन भाई एक घर में रहते हैं, लेस लेसर और फ्यूअर, फ्यूअर लेस और लेसर, ऐसे बोलेंगे अपन। ये तीन भाई एक घर में रहते हैं, फ्यूअर लेस और लेसर। बड़े ध्यान से ग्रामर को देखो, अब उसके एनालिस में आते हैं तो मजा आता है। रूल पढ़कर एग्जाम्पल लिखने में मजा नहीं आता, एग्जाम्पल लिखकर रूल को डिस्कस करने में बड़ा मजा आता है कि क्वेरी बनती है। क्वेरी क्या बनी? देर आर नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट इन क्लास, देर आर नो फ्यूअर देन 500 पैसेंजर इन ए शिप, देर इज नो लेस देन 50 लीटर ऑयल इन ए कैन, देर इज नो लेस देन 50 लीटर वाटर इन ए टैंक, मेनी लेसर क्वेश्चन हैड बीन अटेम्प्टेड बाय मी, मेनी लेसर इश्यूज हैड बीन डिस्कस्ड बाय अस। आपको पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है अपने लेवल पर? आप खुद के टीचर खुद बनिए, खुद का डॉक्टर खुद को बनना चाहिए, खुद का टीचर खुद को बनना चाहिए। आपको पहले और दूसरे में क्या मेजर डिफरेंस नजर आता है कि दूसरा तो लेस ले गया और पहला आपका फ्यूअर ले गया? वेरी गुड, बस ये तो डिफरेंस है, ये तो पढ़ा। दो चीज पकड़नी है आपको दोस्तों, दो चीजें पकड़नी है आपको। यदि आपके देन वाला वाक्य है, देन आ गया और काउंटेबल नाउन है, तो माइंड इट, देन आ गया और काउंटेबल नाउन है तो वहां पर फ्यूअर आता है, फ्यूअर आता है, देन काउंटेबल नाउन। पैसेंजर को गिन सकते हो, स्टूडेंट को गिन सकते हो, टेररिस्ट को गिन सकते हो, मोबाइल्स को गिन सकते हो, क्लियर? देन आ रहा है और अनकाउंटेबल नाउन है, ऑयल को थोड़ी गिना जा सकता है, वाटर को थोड़ी गिना जा सकता है, तो लेस आएगा कब के लिए? दो कंडीशन मानता ही है, नाउन शुड बी अनकाउंटेबल और देन आ गया तो लेस आएगा, नाउन काउंटेबल है तो आपका फ्यूअर आएगा, लेसर कहता है अपन का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, अपना लेना देना ही नहीं है, रहता हूं उनके घर में क्योंकि मेरे पास घर नहीं अकेलेगा, मेरी पार्टनरशिप है इनके घर में, बाकी ना मेरा मात्रा से मतलब है, ना मेरा जो है क्वांटिटी से मतलब है, ना मेरा संख्या से मतलब है, अपना कोई लेना देना नहीं है। ना मेरे वाक्य में देन आता है, ना मेरे वाक्य में देन आता है, तो भाई तू चाहता क्या है? बोले अपना एक अलग ही मतलब है, मेरा मतलब है कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण को बोलेंगे मैनी लेसर, लेस से कोई लेना देना नहीं, दूर का न पास का, दोस्ती का ना दुश्मनी का। लोग सोचते हैं लेसर इसका कंपेरेटिव डिग्री है, खुद की एक ग्रामर बनाते हैं, खुद की ग्रामर बनाने से कुछ नहीं होता है, बनाते रहो खुद की ग्रामर तभी तो पास हो जाते हैं बहुत सारे लोग एक साथ ही। आइए अब इसको डालते हैं मैथमेटिकल ढांचे में। समझ में आ गई कारी? कारी समझ में आ गई। तीन भाई एक साथ रहते हैं, लेसर का इससे कोई लेना देना नहीं है, सर ईआर लगा दिया तो कंपेरेटिव डिग्री हो गई, नहीं, इसका ईआर से इससे लेना देना ही नहीं है। अब फ्यूअर बोले सर क्या यहाँ पे एफ यू भर सकते थे क्या? पावर इसकी एफ यू के बराबर है, ये बात बिल्कुल सही है, फ्यूअर की पावर एफ यू के बराबर है, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस में आता है, ये देन वाले सेंटेंस में आता है, बस यही डिफरेंस है। फ्यूअर, फ्यूअर क्या कहता है आपसे, इसकी जो पावर है वो जस्ट एफ यू के बराबर है, पावर में कोई कमी नहीं है, मगर फ्यूअर जो है
वो कहां आएगा? देन वाले वाक्य में आएगा, देन होना जरूरी है, देन वाले वाक्य में आएगा पहली कंडीशन, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन नाउन काउंटेबल होना चाहिए। इंग्लिश को पढ़ो मैथमेटिक्स की तरह, दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही खत्म। समझ में आ गया? खत्म। नाउन काउंटेबल होना चाहिए पहली कंडीशन, तो फ्यूअर आएगा, और सिंपल वाक्य है देन वेन नहीं है तो इफ यू आना ही। पावर एकदम बराबर, पावर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी पॉजिटिव थोड़ा सा, वो भी पॉजिटिव थोड़ा सा, मतलब पावर में कोई फर्क नहीं है। दूसरा क्या कहता है? लेस, बहुत बार बोला, बहुत बार पढ़ा, आज ग्रामर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, इसकी पावर जस्ट ए लिटिल के बराबर है। जो काम वो पॉजिटिव वाक्य में करता है ये देन वाले वाक्य में करता है, ये देन वाले वाक्य में आएगा, देन वाले वाक्य में आएगा, वाक्य में आएगा। और दूसरा पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के नाउन कैसी होनी चाहिए? अनकाउंटेबल। ऑयल हो गया, दही हो गया, आपकी गाड़ी में पेट्रोल हो गया, ये सब यदि देन के वे में जा रहा है तो लेस को यूज करेंगे। आपने गाड़ी का टैंक खोला और लगा कि यार 2 लीटर से तो कम नहीं है, तो नो लेस देन 2 लीटर। कंडीशन देन वाले वाक्य में आएगा, नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, फ्यूअर प्लस देन प्लस सी एन, सी एन का मतलब काउंटेबल नाउन। दिमाग को एक्सरसाइज करने दो, सी एन क्या है, जितना छोटा फॉर्मूला होगा दिमाग को कोशिश करने दो कि बड़ा क्या होगा। दूसरा आ गया लेस प्लस देन प्लस यूएन, अनकाउंटेबल नाउन, कहानी खत्म। बस ये दो फॉर्मूले याद रहे, सब में से बचपन की याद आ, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। मैथमेटिक्स पढ़िए आपने 10th में 12th में, तो समीकरण नंबर 1 ये कहता है, समीकरण नंबर 2 ये कहता है, तीसरा कहता है, अपना कोई लेना देना नहीं है। मात्रा क्वांटिटी से अपना कोई लेना देना नहीं है, रहता हूं इनके घर में क्योंकि किराया नहीं है। लेसर कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण को बोलेंगे लेसर। मैनी लेसर पीपल हो सकते हैं, मैनी लेसर क्वेश्चन हो सकते हैं, मैनी लेसर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी। बहुत कम महत्वपूर्ण नेता जयपुर आए थे, मैनी लेसर लीडर्स। ज्यादा जो कहानी अटकाता है ना वो हटाता है फर्स्ट और सेकंड में। ज्यादातर जो कहानी लेता है ना वो ले जाता है फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में इसका घमासान होता है, और 99% 99 बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन कवर करता है यहाँ से, और लोग भरते ही ये भरते ही भरेंगे नहीं भरेंगे, कोई भी होता आप होता मैं हूं, तो जब तक ग्रामेटिकल रूल नहीं हमारे पास हम लेस ही भरेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो आज का दूसरा पॉइंट, दूसरे घर में प्रवेश किया, 3 लोग मिले आपको, फ्यूअर लेस और लेसर, फ्यूअर लेस और लेसर, फ्यूअर की पावर एफ यू के बराबर, कौन से वाक्य में? देन वाले वाक्य में। लिटिल की पावर, सॉरी लेस की पावर अलिटिल के बराबर, कौन से वाले वाक्य में? देन वाले वाक्य में। लेसर कहता अपना कोई लेना देना नहीं है, अपना अर्थ है कम महत्वपूर्ण, अपना अर्थ है कम महत्वपूर्ण। क्लियर आज का दूसरा पॉइंट, मैथमेटिकल क्लियर। आइए तीसरे पॉइंट पर आते हैं, प्रतिवीर आ रहा है समझ में? बिल्कुल अपडेट, कहीं पूछ लिया तो फाइन कर दूंगा, पार्टी देनी पड़ेगी फिर, इसलिए बिल्कुल अपडेट। चले तीसरा पॉइंट, एक एग्जांपल लिखता हूं, तीसरे पॉइंट पे आता हूं मैं। देन आ रहा है, देन आती समझ जाना, कंपेरेटिव डिग्री की कहानी शुरू होती है। वीवो मोबाइल महंगा है ओप्पो मोबाइल से, आज लेते हैं। और एक मैंने चौथा क्वेश्चन लिखा, अकबर इज मोर वाइजर, अकबर इज मोर वाइजर, या बीरबल करो, बीरबल ज्यादा था, बीरबल इज मोर वाइजर या वाज मोर वाइजर देन अकबर। कहानी को समझो, कहानी कहां ले जाना चाहती है, पहले कहानी को समझो, डायरेक्शन क्या है, कि क्यों हमसे ऐसा चाहती है कि ऐसे ऐसे सब लिख दिए, डायरेक्शन समझो, दिमाग में एक क्वेरी पैदा करो कि जाना कहां है,
रूल लिखा, रूल को कॉपी पे लिखा, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे। 5 वर्ष योजना नहीं है, बहुत कम टाइम है। जिंदगी बनाने का जो जो आपका समय है बहुत निश्चित है। यदि आप उसमें सही ढंग से बैटिंग कर गए तो युवराज बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो आपके गुरु पर डिपेंड है कि वो आपको कौन सा डायरेक्शन देता है। सिंपल सी कहानी है। हमने पार्ट ए डिस्कस कर लिया, पार्ट बी डिस्कस कर लिया, और अभी चलते चलते पार्ट सी भी डिस्कस करके जाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। तो राम इज देन श्याम, ही इज देन इज फ्रेंड, जयपुर इज देन जोधपुर, वीवो मोबाइल देन ओप्पो मोबाइल। मेरे को पहले सेंटेंस को कहना है कि राम शाम से लंबा है, क्या भरूं मैं लंबे के लिए, बताइए। टॉलर, चले मैंने आपके यहाँ पर भर दिया, राम इज टॉलर देन शाम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ही इज, वो अपने फ्रेंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। आपने भर दिया मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, भर दिया इंटेलिजेंट। राम शाम से बड़ा है, टॉलर बड़ा, उधर आपने कहा इज मोर इंटेलिजेंट, इस पर वो अपने फ्रेंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है। जयपुर इज देन जोधपुर, जयपुर है वो जोधपुर से महंगा है, जयपुर जोधपुर से महंगा है, मोर एक्सपेंसिव। आपने भर दिया मोर एक्सपेंसिव, जयपुर जोधपुर से महंगा है, आपने भर दिया मोर एक्सपेंसिव। EXPENSIVE, मैं कहता जयपुर जोधपुर से सस्ता है, तो चीपर, आपने बोला चीपर, ठीक है, आपके कहने अकॉर्डिंग मैंने भर दिया। वीवो मोबाइल देन ओप्पो मोबाइल, वीवो मोबाइल ओप्पो मोबाइल से ज्यादा जो है महंगा है, अपन ने कर दिया मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। और मैंने एक सेंटेंस लिखा, बीरबल वाज मोर वाइजर देन अकबर। अभी फोर्थ वाले को छोड़ दीजिए, अभी बाद में लेते हैं। राम इज टॉलर देन श्याम, यहाँ पर आपने टॉलर भरा, और यहाँ पर आपने मोर इंटेलिजेंट भरा, ऐसी कृपा क्यों, ऐसी कृपा क्यों, उसको बड़े आराम से इंटेलिजेंट लिख दे तो क्या बुराई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये मोर क्या है, ये किसको शो कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। राम इज टॉलर देन श्याम, ये भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री है और ये भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। जयपुर इज मोर एक्सपेंसिव देन जोधपुर, ये भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री है और ER वाली भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। वीवो मोबाइल इज मोर एक्सपेंसिव, मोर आपकी कंपेरेटिव डिग्री है देन ओप्पो मोबाइल, यानी आपने दो चीज नोट की होगी यहाँ पर, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आ रही है मोर और ER के जरिए, और कितने लोगों में आ रही है, Only 2, 3 में एप्लीकेबल नहीं है, एक में आ नहीं सकती है, एक में पॉजिटिव डिग्री आती है। राम इज टॉलर देन श्याम, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड, राम श्याम से लंबा है और वो अपने दोस्त से ज्यादा इंटेलिजेंट है, जयपुर जोधपुर से महंगा है, जोधपुर से सस्ता है, वीवो मोबाइल ज्यादा महंगा है ओप्पो मोबाइल से, और इसमें अरर बता दीजिए। कहानी को मैं खत्म कर, इसमें क्या अरर है, मोर क्यों, मोर वाइजर बुद्धिमान से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गया ना। एब्सोल्युटली राइट, गुड आंसर, एक्यूरेट आंसर। अभी इसके बाद में बात करते हैं। पहले तीन तरह की डिग्री होती है, तीन तरह की डिग्रीज होती हैं। पहली एक आदमी के लिए जिसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, पॉजिटिव, दूसरी को कहते हैं कंपेरेटिव, जो तुलना करती है दो लोगों में, कंपेरेटिव, और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव, जिसकी आज बात नहीं करेंगे। वो हमारा अगला पड़ाव है, टॉल हो गया तो टॉलर हो गया, द टॉलेस्ट हो गया, लिखना जरूरी है क्योंकि तीनों बहने हैं एक साथ, इनका संदर्भ जरूरी है। टॉल हो गया, टॉलर हो गया, टॉलेस्ट हो गया। आपने कहा सर ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल आपकी पॉजिटिव डिग्री है, एक इंसान के लिए आएगी, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल कंपेरिजन करेगी, और तीसरा द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तीन तरह की डिग्री होती है, तीन तरह की डिग्रीज होती है। पहली पॉजिटिव, जो एक आदमी के लिए काम में आती है, दूसरी दो आदमियों में, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में काम करती है, तीसरी कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया, जिसकी बात आज देखी है, कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया इसकी वो है। तो आपने कहा, बाद में बात करते हैं,
आज हमारी कहानी शुरू कर पॉजिटिव तो कहा मैं आई कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री बहुत शानदार है, क्वेश्चन बनाकर आ रही है, आपको अभी बता देता हूं कैसे। ये दो लोगों में काम करती है, दो लोग दो वस्तु दो में, अब कुछ भी लगा देना, दो में काम करती है, दो इमारत हो सकती है, दो वस्तु हो सकती है, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो जानवर हो सकते हैं, दो में काम करती है। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू। तीसरा इसको, इसको ईआर लगाकर, लगाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है, ईआर लग गया तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। फॉर एग्जांपल वाइजर, स्मॉलर, शॉर्टर, लॉन्गर, कुछ भी जिनका ईआर आसानी से बनता हो ईआर बना देता है। मगर, मगर जिसका ईआर नहीं बनता, जिस शब्द का वो लंबे शब्दों का नहीं बनता, जिस शब्द का ईआर नहीं बनता वो कहता है साहब इंटेलिजेंट तो होता ही नहीं है, नहीं बनता है, नहीं बनता है, उसको, उसको मोड़ लगाकर सीडी बनाई जाती है। मोड़ लगाकर सीडी, इसको शॉर्ट में सीडी बोलेंगे, क्यों टाइम खराब करें, सीडी बनाई जाती है, सीडी बनाई जाती है। सीडी बहुत मैथमेटिकल पार्ट है, एब्सेंट मत रहना, नुकसान उठा जाओगे लिखने में भी एज वेल एज हमारे एग्जाम में भी। कंपैरेटिव डिग्री दो में काम करती है। पहली प्रायोरिटी कि ये ईआर बनाकर बनाई जाती है, वो शब्द कहते मेरा ईआर ही नहीं बने तो क्या कर लोगे, क्या आप लिखोगे, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, दूसरा ऑप्शन काम में लो। वो कहेगा मेरा तो ईआर नहीं बनता है, वही बता दो दूसरा ऑप्शन, मोर एक्सपेंसिव कर दिया, मोर ज्यादा महंगा हो गया, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, ज्यादा हैंडसम हो गया, मोर हैंडसम, हैंडसम का ईआर नहीं बनता है, लंबे शब्दों का किसी का ईआर नहीं बनता है, मोर हैंडसम हो गया, मोर ब्यूटीफुल हो गया। बचपन से पढ़ते आ रही हुई चीजें लेकिन फंडामेंटल किसी ने क्लियर नहीं किया, रटवाया रटवाया और जिंदगी को तबाह कर दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो इस क्रैमिंग सिस्टम का शिकार हो गए, बहुत सारे लोग जिनका करियर बन सकता था बहुत अच्छा लेकिन क्रैमिंग सिस्टम ने उनको पूरी तरीके से तबाह और तहस नहस कर दिया। कोई भी टॉपिक बता रहा हूं ना, कोई भी सब्जेक्ट रटने का होता ही नहीं है, मैथ्स की तरह उसको आप कॉल करो तब मजा आता है। तो आज कहानी शुरू करती है कंपैरेटिव डिग्री, ये दो लोगों में काम करती है, इसको ईआर लगाकर बनाया जाता है, वाइजर, स्मॉलर, शॉर्टर, लॉन्गर इत्यादि, जो शब्द का ईआर नहीं बनता उसको मोर लगाकर सीडी बनाई जाती है, मोर एक्सपेंसिव, मोर हैंडसम, मोर ब्यूटीफुल इत्यादि इत्यादि कुछ भी। आज सेकंड वाला हमारा पार्ट है, कन्वर्ट कर दो मैथमेटिकल फॉर्मूले में, सीडी क्या है और क्यों बनती है और क्या इसका यूज है, ये हमारी आज की कहानी का पहला पड़ाव। कंपैरेटिव डिग्री को सीडी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, दो में काम करती है प्लस ईआर लगाकर बनती है, ईआर लगाकर बनती है, शॉर्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ईआर लगाकर बनती है और वो शब्द बना कर दे कि मेरा तो ईआर नहीं बनता है तो मोड़ लगाकर बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो बोले सर क्या ये भी हो सकता है क्या, मोड़ लॉन्ग ये भी क्या सीडी हो सकती है क्या, और क्या ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा। एक केस को छोड़कर जो आगे बात करेंगे कल या परसों, एक केस को छोड़कर आप कभी ये नहीं लिखोगे, लिख ही नहीं सकते, एक में लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। इस बोर्ड को देख लो, इस बोर्ड पर वो ये रूल जाएगा जो मैं रूल बोल रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड पर, इस बोर्ड पर अप्लाई होगा, क्यों आज बात नहीं करूंगा मैं। तो जिस शब्द का पहले ई आर बनता हो क्या बनाएंगे, ई आर, वो शब्द बनाकर दे मेरा ई आर नहीं बनता है तब हम बोर्ड लगाकर क्या बनाएंगे, सीडी बनाएंगे। एक केस को छोड़कर, एक केस में आपको यही रहना पड़ेगा, वहां पर लॉन्गर को भी लॉन्ग करना पड़ेगा, मजबूरी हमारी वो इस बोर्ड पर अप्लाई करेंगे, वहां पर लॉन्गर को आपको भूलना पड़ेगा कि मेरे को नहीं आता, लॉन्गर आता ही नहीं है, वहां पर मजबूरी है हमारी।
तो मैंने आपको जो सेंटेंस लिखा था आपने उसका आंसर क्यों दिया था कि बीरबल वाज मोर वाइजर देन अकबर। आपने क्या आंसर दिया था कि क्या नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यानी कुल मिलाकर आप इसको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कह सकते हो कि दो सीडी का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, दो सीडी का एक साथ कभी प्रयोग नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट लाइन, नहीं हो सकता। आपकी मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है और वाइजर भी कंपेरेटिव डिग्री है, मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है, वाइजर भी कंपेरेटिव डिग्री है, इसलिए यहां पर किसको जाना पड़ेगा? मोर को जाना पड़ेगा, मोर को जाना पड़ेगा। हाँ, मैं यहां कहता कि बीरबल अकबर से ज्यादा ताकतवर था तो मैं क्या यूज करता? मोर पावरफुल, क्योंकि पावरफुल का क्या नहीं बनता है? ईआर नहीं बनता है। तो यहाँ पर रूल में बोलोगे आप, ये तो आपने कॉमन सेंस में बोला, ये तो आपने आईक्यू के बेस पे बोला, रूल में क्या बोलोगे? कोई बोलेगे ठीक है ये तो आपने लगा दिया, लेकिन रूल में क्या बोलेंगे आप? रूल में बोलेंगे दो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। यदि ईआर वाला शब्द है और मोर भी लगा रखा है तो जाएगा कौन? मोर जाएगा, क्योंकि पावर किसकी ज्यादा है? मोर कब लगाते हैं? जब वो शब्द मना कर दे कि मेरा ईआर नहीं बनता है, उसी पोजीशन में मोर लगाएंगे, नहीं तो मोर नहीं लगाएंगे। तो मोर स्मॉलर, मोर शॉर्टर, मोर वाइजर, मोर लॉन्गर, मोर प्रिटियर, सब बोलना गलत। क्लियर आज का पार्ट नंबर ए? क्लियर पार्ट नंबर बी? क्लियर। उतार दूं पार्ट नंबर सी पर, कर ले पेपर डिस्कस। पेपर नहीं आया तो संडे को क्या पेपर बुरी परसों का, तो पर सैटरडे का तो होगा ना, सैटरडे का डाला रहेगा है? है करें डिस्कस है तो अभी 5 मिनट रोटेशन मारो, क्या दिक्कत है? मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास, चलिए आइए। दिक्कत होती है यार बहुत, रोज रोज आते को लिखने में क्या मजा आ रहा है, अपने आप ही रोटेशन आता है, ध्यान तो लगाओ उधर, आधा लगाओ इधर। चलिए आ जाइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 5 मिनट में रोटेशन डाल देते हैं 75 क्वेश्चन का, क्योंकि आप आ गए अब कमांडो ट्रेनिंग में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आंसर दो फटाफट दो आप, आज के बाद मेरा आंसर देना बंद। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स टू माय एलिगेंट वेडिंग सेरेमनी। एलिगेंट का मतलब भव्य, और वेडिंग सेरेमनी शादी में। अब एक कुछ दोस्तों को तो बुलाएगा ही, तो लिटिल और ए लिटिल तो नहीं आएगा, क्या आएगा? अ फ्यू, क्योंकि थोड़े से दोस्तों को तो बुलाएगा, इसे थोड़े से दोस्तों के लिए क्या आएगा? अ फ्यू। माय ग्रैनी, मेरी दादी, मेंबर इन आवर डायनेस्टी, हमारे वंश में सबसे बड़ी है। शी मर्मर्स फ्रॉम डॉन टू डस्क, वो सुबह से शाम तक बड़बड़ाती है। मर्मर मेंबर, ग्रैनी क्या है? आपकी दादी, दादी से कैसा संबंध है? ब्लड रिलेशन, क्या आएगा? डायनेस्ट इज द राइट आंसर, जाने दो। मिस्टर शर्मा इज एम्प्लॉय इन आवर एलिगेंट ऑफिस, एलिगेंट का मतलब है भव्य। He is a plodder, वो कोलू का बैल है। प्लोडर होता है बहुत मेहनत करने वाला, प्लोडर कोलू का बैल। एक बार गुस्से में बोलते मैं कोलू का बैल थोड़ी हूँ। मिस्टर शर्मा से क्या मेरा कोई ब्लड रिलेशन है क्या? नहीं है, लेकिन सबसे बुजुर्ग बता दिया, रिटायर्ड होने वाले हैं। द ओल्डेस्ट इज द राइट आंसर, हाँ ये मेरे ताऊ जी होते, काका जी होते तो द एल्डेस्ट आ जाता। ऑफिस में सबसे बड़ा बताना है तो द ओल्डेस्ट। The Hall Mail is the Taj Mail, दो इमारतों में छोटा बड़ा बताना है तो older के साथ क्या आएगा? Then आएगा, older than। Taj Mail is the relic of immortal love, Taj Mail एक अमीर प्यार, अमर प्यार की निशानी है। Immortal love, अमर प्यार, relic निशानी, relic आर्जिस प्री में आ चुका है। relic का मतलब निशानी, immortal love अमर प्यार। दो स्मारकों में तुलना करनी है,
ओल्डर के साथ देन आएगा, ओल्डर टू भी नहीं होगा, ओल्डर देन इज द राइट आंसर. माई ब्रदर इज माई सिस्टर बट हैज नॉट ए लिटिल हॉर्स सेंस. हॉर्स सेंस का मतलब है व्यवहारिक ज्ञान. भाई और बहन में ब्लड रिलेशन है, छोटा बड़ा बताना है, क्या आएगा एल्डर टू. एल्डर टू एल्डर के साथ प्रपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा. सात वर्ड है जागृति शर्मा की पेप्सी जो कल डिस्कस करेंगे. राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्लाई ए काइट, पतंग उड़ाना इसका मतलब हो सकता है बच्चों के लिए. मोबाइल खरीदने से पहले, शादी करने से पहले, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले, कार खरीदने से पहले हर इंसान फ्लाई काइट करता है. लोगों की राय जानना, जनमत जानना, लोगों की राय जानने को कहते हैं फ्लाइट ए काइट. आंसर नंबर बी नो पब्लिक ओपिनियन. मोबाइल खरीदने कौन सा खरीदे यार, कार खरीदनी है कौन सी खरीदे, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है कौन सी करें, ये हम फ्लाई काइट करते हैं. स्टैब इनटू समबडीज बैक, बैक का मतलब पीठ, स्टैब का मतलब कोई छुरा चाकू घोप देना. स्टैब इनटू बैक का मतलब होगा किसी से विश्वासघात करना, किसी से आपका धोखा करना, जो पाकिस्तान हमारे साथ करता है. इधर तो वो मैत्रीपूर्ण वार्ता करता है हमारे साथ और दूसरी तरफ स्टैब इनटू बैक करता है, पीठ में खज्जर भोंकता है, पीठ में छुरा भोंकता है. स्टैब इनटू बैक आंसर नंबर बी रिसीव समबडी. चेज एंड ऑफ द रेनबो, रेनबो कहते हैं इंद्रधनुष को. इंद्रधनुष को आप पकड़ सकते हो क्या, चेज कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि कैसा होता है काल्पनिक, इमेजिनरी होता ही नहीं है, दिखता जरूर है पर क्या एक्चुअल में होता है क्या, तो क्या आप उसको पकड़ सकते हो क्या, नहीं पकड़ सकते. क्या आप देश में से गरीबी मिटा सकता है कोई, करप्शन मिटा सकता है क्या कोई, नहीं. अपराध मिटा सकता है, नहीं. चेज एंड ऑफ द रेनबो आंसर नंबर डी ट्राई टू डू इम्पॉसिबल वर्क. आंसर नंबर डी ट्राई टू डू इम्पॉसिबल वर्क, डी इज द राइट आंसर. ब्लो आउट, ब्लो आउट, कोई भी पहाड़ है क्या उसको हाथ से तोड़ा जा सकता है क्या, कैसे तोड़ते हैं, बारूद लगाकर, बारूद लगा के तो उड़ाते हैं उसको. कोई पहाड़ है, ब्लो आउट आएगा डायनामाइट समथिंग, पहाड़ से जोड़ देना बीच में माउंटेन, माउंटेन जोड़ देना, माउंटेन आपका ब्लो आउट होता है. और मोमबत्ती बुझाने के लिए क्या कहा था मैंने, जन्मदिन है, बर्थडे है, किसी का बर्थडे थी क्या, लाडू वाडू बांटो, ब्लो अप इसका है क्या. ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब मोमबत्ती बुझाना ब्लो अप कहलाएगा. दोनों याद रहेगी, मोमबत्ती बुझेगी तो ब्लो अप और डायनामाइट करोगे तो ब्लो आउट. सिमिलर पर आइए सेट, एस ए टी ई, एस ए टी ई सेट. हमने भूख लग रही है, खाना खा लिया, हम भूख से संतुष्ट हो गए, तो सेट सेटिस्फाई का सिमिलर वर्ड है. सेट का यहां पर वर्ड आएगा सेशिएट, संतृप्त होना, संतुष्ट होना. इसके साथ एक ग्रामर का पॉइंट भी आएगा जो आगे डिस्कस करेंगे. सेट का मतलब है आपका सेट होना यानी संतुष्ट होना, सेशिएट होना, ग्रेटिफाई होना, सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना. मैं आपसे पूछूं क्या आप मेरे पार्टिंग सिस्टम से सेट हैं या सेशिएट हैं, आपका आंसर जो भी हो यस और नो. कमोशन, सी ओ डबल एम ओ टी आई ओ एन, ऐसी स्पेलिंग को थोड़ा स्पेलिंग चेक भी कर लिया करो. कमोशन, प्रोनाउंसिएशन आया कमोशन. मैं आपको कहूं आप जाकर आज चलो अपन चलते रेलवे स्टेशन पर क्लास लेते हैं, हो जाएगी रेलवे स्टेशन पर, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि वहां पर कमोशन होगा यानी शोरगुल होगा. शोरगुल में हो सकता है, नहीं हो सकता, कमोशन. तो आंसर इसका सीधा सीधा जाएगा रकस के पास. कमोशन का आंसर जाएगा रकस के पास. इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, सीआरपीएफ, कमोशन, रकस, पेंडेमोनियम और फ्यूरोर, पांच और चार वर्ड लगे एक साथ. कमोशन का आंसर गया आपका रकस के पास, शोरगुल मचाना. कमोशन का मतलब शोरगुल. हम रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे पढ़ाई नहीं कर सकते, वो तो छोड़ो बाहर गेट खोल के नहीं कर सकते, क्योंकि वहां क्या है, कमोशन है, वहां क्या है, रकस है. फिर आता है पिनकल, पी आई डबल एन ए सी एल ई, पिनकल, किसी भी चीज का शीर्ष बिंदु. बोर्ड का ये पिनकल हो गया, बिल्डिंग का ये पिनकल हो गया, सबसे टॉप का बिंदु पिनकल कहलाएगा. आंसर नंबर जेनिथ, इसके भी 10 वर्ड करेंगे. जा एस पी ए सी बी बनकर शिखर बिंदु को छू, 10 वर्ड करेंगे शिखर के, टॉप के, सबसे पीक पॉइंट के. फिर आता है आपका अपोजिट, वर्ड आया एक्मे.
एक्मे का मतलब भी शिखर, सबसे तो ये क्या है एक्मे, ये क्या है पिनकल, ये क्या है पीक पॉइंट, तो ये क्या है सबसे नीचे का बिंदु, ये क्या है ये नैडिर, NADIR, हमारा ये पिनकल हो गया तो ये हमारा नैडिर हो गया। पिनकल का जस्ट अपोजिट वर्ड आ रहा है आपका नैडिर, NADIR, काफी एग्जाम में पूछा है, फिर पूछने की संभावना। फिर होता है फैटिक, FATIGUED, फैटिक, आप 10 किलोमीटर दौड़ कर आए, रोज नहीं दौड़ते हो, आज ही दौड़ कर आए, क्या आप पढ़ सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि आप कैसे हो आज, फैटिक हो, थका हुआ होना, टायर्ड होना, हैगर्ड होना, आपका जाडेड होना, थका हुआ बोले आज नहीं पढ़ सकता, आज मैं खाटू श्याम जी गया था पैदल पैदल, टायर्ड इज द राइट आंसर, फैटिक का मतलब थका हुआ होना, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाना, फैटिक, एक मजदूर फ्रॉम डाउन टू डस्ट मजदूरी करता है, इसलिए वो फैटिक है, वो थका हुआ है, वो जाडेड है। फिर वर्ड आया अपोजिट बताना, सॉरी फैटिक।